दोस्तों फोटोशॉप 7.0 में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हमको फोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाना है और न्यू पेज लेना है। न्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो यहाँ पर हमको अपना पेज का साइज सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम पिक्सल्स की जगह इंचेज सेलेक्ट करेंगे, दोनों में विड्थ एंड हाइट दोनों में इंचेज सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम 3.5 विड्थ ले लेते हैं और हाइट में ले लेते हैं 2 इंच और यहाँ से रेजुलेशन में 300 रेजुलेशन और ओके कर देंगे। यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट रखेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारे पास पेज आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले कॉर्नर के डिजाइन करेंगे। कॉर्नर के डिजाइन करने के लिए हमको जाना है पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कॉर्नर डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक सेंटर में यहाँ पे बीच में क्लिक कर देंगे और एक यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अल्ट को दबा के रखना है। तो ये हमारा बीच वाला पॉइंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अल्ट को दबा के रखना है और उसके बाद ऐसे क्लिक करना है और ऐसे आपको एक अच्छा सा डिजाइन बना लेना है जैसे आप चाहते हो उस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कॉर्नर में और इसके बाद यहाँ पर, तो ये मिल चुका है कुछ इस तरह का शेप बन गया है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और फेदर में यहाँ से 0 रखूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा सिलेक्शन बन चुका है। यहाँ पर हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के लिए हमको जाएंगे पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कलर फिल हो जाएगा। यहाँ आप कलर कोई और फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है, क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेना है और ओके करेंगे। यहाँ से फिर से क्लिक कर देंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। कलर फिल करने के बाद हमने जो ये शेप डिजाइन की है इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो इसके लिए हम जाएंगे मैजिक वेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका सिलेक्शन बन जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन बनने से क्या हुआ, हम डुप्लीकेट बनाएंगे तो ये जो सिलेक्शन है सिर्फ इसका ही डुप्लीकेट बनेगा। तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और उसके बाद हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये अलग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट और बनाएंगे। तो या तो आपको फिर से कंट्रोल जे प्रेस कर देना है या फिर आपको अल्ट को दबा के रखना है और ऐसे ड्रैग कर देना है तो इसका एक कॉपी और बन जाएगी। अब हम इनको कुछ ऐसे एक जगह इसको सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से और कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ जाता है। इसकी मदद से हम इनको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी आपको जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से रख सकते हैं। एडजस्ट होने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है तो ये यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका कलर है वो अलग से फिल कर लेना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और ओके करूँगा और पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। मूव टूल लूँगा और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लूँगा ऐसे, तो इसका कुछ इस तरह से लुक दिखेगा। अब हम इस पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल को दबा के रखूंगा और ये जो पॉइंट है इससे इस तरह से एडजस्ट करूंगा। इसको इंटर प्रेस करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। तो ये हमने ये शेप कॉर्नर की डिजाइनिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए आपको जाना है पेंट बकेट टूल में यहाँ पे और यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप किस तरह का कलर लेना चाहते हैं वो आप खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर हम कलर बना लेते हैं अपने हिसाब से। ये जो कलर स्टॉप का आपको छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कलर आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कोई भी और कलर सेलेक्ट कर लेना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर क्लिक करना है और इसका जो कलर है ये भी हमको दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं येल्लो कलर लूँगा, ओके करूँगा। इसके बाद ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर कोई और ले लेते हैं, तो हम यहाँ से ये ले लिया और ओके करेंगे। इसके बाद इसका हमारा जो बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखने वाला है। यहाँ आप कोई और कलर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसका कलर कोई और फिल करना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कुछ ऐसे, ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से। अगर इनमें से आपको किसी को डिलीट करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा और इसको एडजस्ट कर लेना है और हम इसी कलर को उस पर फिल कर देते हैं। यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अप्लाई करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमको ये जो बैकग्राउंड पे कलर फिल करना है तो इसके लिए हमें ये बैकग्राउंड वाला लेयर सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे
तो यहाँ पर ये कलर फिल हो चुका है। जो भी हमारी संस्था है, दुकान है, उसका यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के लिए हम जाएंगे हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ पर इसका जो साइज है वो हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर साइज है 70, तो यहाँ पे हम साइज कर लेंगे। इसके बाद हम अपने जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ओके करूँगा। यहाँ हम टाइप करेंगे माही। इसके बाद मैं इसको इतना रखूँगा और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे फिर से और इसको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो। तो हम इसको यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ब्यूटी पार्लर और यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये जो हमने सेव डिज़ाइन की है इसका हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको इसमें क्लिक करना है, ये दोनों लिंक हो जाएंगे। लिंक करने के बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है तो ये दोनों एक साथ इस तरह से प्री ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। और अब हम यहाँ से शिफ्ट अल्ट को दबा के ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको बड़ा किया। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ़ोन नंबर, तो यहाँ से हम टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर आपको साइज में 7 पॉइंट मैंने ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और जो भी फ़ोन नंबर वो इस तरह से हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एक इमेज लेंगे, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ये मेरी PNG में है ऑलरेडी, तो आपको भी PNG में ही ऑलरेडी रखनी है इमेज। आप जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हो इसको उठाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद मैं फिर से एक और इमेज लूँगा। इमेज लेने के लिए मैं इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा कुछ ऐसे और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने जो टेक्स्ट है ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इनको एडजस्ट करूँगा तो राइट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे और ऐसे इसको मूव टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जहाँ पर भी मुझे रखना है इसको यहाँ पर रख सकता हूँ मैं इस तरह से। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम एक यहाँ पर शेप बनाएंगे एड्रेस के लिए। इसके लिए हम जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ हमको कलर फिल करना है। राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक कोई भी दे दीजिए आप। तो मैं स्ट्रोक में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से विथ में मैं 1 ही रखूँगा, ओके करूँगा। और यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट कर लूँगा और ये कलर ऑलरेडी सेलेक्ट है तो यही इस पे आएगा कुछ ऐसे। ये मैंने कलर फिल कर दिया, ये इसके बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इसी के अंदर ही फिल होगा। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ पर हम टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे इस तरह से इसको यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर लेते हैं यहाँ से, ओके करेंगे। और यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसका एड्रेस। तो मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जो भी आपका एड्रेस है वो टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ये जो टाइप कर दिया है इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लूँगा सेंटर में। राइट पे क्लिक करूँगा, मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको मैं बीच में सेंटर में एडजस्ट कर लूँगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो बनके यहाँ तक रेडी हो चुका है। इसमें कोई अगर आप और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा विजिटिंग कार्ड यहाँ पे बना के आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके से विजिटिंग कार्ड और बैनर डिजाइनिंग ये सब बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें ताकि हमारे वीडियोज आपको मिलते रहें। तो अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाऊँगा और सेव एज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप JPG या फिर PSD जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं JPG में करके आपको बता देता हूँ, JPG में किया और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ, सेव कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। और इसके बाद ये हमारा विजिटिंग कार्ड है वो बन के आ गया है। डबल क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।